दोस्तों, अदर या लेपटी बढ़ाने का नंबर वन देसी नुस्खा आज हम आपको बताने जा रहे हैं। गाय या भैंस का जो दूध बढ़ता है वह डिपेंड करता है उसके लेपटी या अदर पर, जो आप देख रहे हैं। ये गाय और भैंस का अदर कैसे बढ़ाएं, इसका आज आपको देसी नुस्खा बताने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और आप भी अपनी गाय भैंस का लेपटी या अडर या गाद जिसको कहते हैं वह कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी गाय या भैंस दूध ज्यादा दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गाय या भैंस का लेपटी बढ़ाने का तरीका मैं आपको बता दूं, उससे पहले गुजारिश करना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। दोस्तों, दूध कम होना गाय भैंस का बहुत से कारणों की वजह से हो सकता है, उसकी बीमारियों की वजह से हो सकता है, या जो कीड़े मकोड़े इनके शरीर पर रहते हैं, जुए वगैरह, उसकी वजह से भी दूध कम देती हैं। आज हम अडर या जिसको गाद कहते हैं उसको कैसे बढ़ाएं। जब वह अडर गाय या भैंस के बड़े होंगे तभी आपकी गाय या भैंस दूध ज़्यादा देंगी। तो इसको बढ़ाने के लिए आपको देसी नुस्खे के बारे में मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपको किराने या पंसारी की दुकान पर जाना होगा और वहां से आप पीपली एक पदार्थ मिलेगा जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको आप घर पर लेके आए और इसको पीस के इसका चूर्ण बना लें। यह आपको देना है सुबह शाम, गाय या भैंस को, दोनों के ही लिए उपयुक्त है। इसकी जो मात्रा है वह है 15 से 20 ग्राम सुबह, 15 से 20 ग्राम शाम को। लेकिन इसको देना किसके साथ है यह भी आप जान लें। यह आप नारियल का तेल, नारियल का जो शुद्ध तेल है, यदि आपको वह मिल जाता है तो उसके साथ आपको यह देना है। आप इसको गाय भैंस के खाने वाले जो सामान हैं या उसका जो चारा है उसमें आप मिलाकर दे सकते हैं। 100 ग्राम नारियल का तेल सुबह और 100 ग्राम नारियल का तेल शाम को आपको देना है। तो आपकी जो गाय और भैंस का जो अडर है जिसको गाद कहते हैं वह बढ़ना चालू हो जाएगा, और जब वह अडर और गाद, जब लेपटी गाय भैंस की बढ़ जाएगी तो उसका दूध स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों बाद आपको फ़ायदा होना चालू हो जाएगा। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। देसी नुस्खा अपनाकर आप भी अपनी गाय भैंस की लेपटी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।